और यहाँ से कुछ ऐसे नजारे भाई सामने, एक टांग इधर एक टांग उधर, ऑटोमेटिक का सही उपयोग तुम कर रहे हो। कुफरी के थोड़ा सा आगे आके यहाँ देखो, हल्की हल्की ये स्नो है, लैंडस्लाइड हुए हैं काफी यहाँ पे ना। हाँ भाई कैसे फालतू बोल रहा था तू। और ये है फॉग लाइट, तो भी गाड़ी दिखा रही है टेम्परेचर -2, ये सब बर्फ जम गई अभी मैंने निकाला ये सब। तो भाई ये है अपना आज का होम स्टे। सुबह अभी हो चुकी है, गुड मॉर्निंग, और बस यहाँ से निकलते हैं तैयार होके। धूप भी आ चुकी है बढ़िया एकदम मस्त वाली, और यहाँ से कुछ ऐसे नजारे भाई सामने, बहुत ही सही लग रहा है देखना। गर्म पानी भी यहीं आके टेस्टी लगता है, यहाँ आके पता चलता है गर्म पानी के जो महत्व तो क्या है। पियो भाई जल्दी जल्दी और अपना खाली करो टैंकर और निकलो। वो वाली टी नहीं है यहाँ की, हरी टी अदरक वाली। हाँ वो वहाँ पी तो थी हमने पिछली बार, जिंजर हनी टी। चलो भाई बाय बाय करते हैं इस नज़ारे को और अपना निकलते हैं यहाँ से सीधा स्पीति की तरफ। क्या कर रहे हो तुम ये, एक टांग इधर एक टांग उधर, ऑटोमेटिक का सही उपयोग तुम कर रहे हो। एक बार में स्टार्ट हो जाएगी यहाँ तो, ये हो गई रात में मुश्किल से, मुझे लगता है 1 डिग्री तक गया होगा बस। ये क्या कर रहे हो तुम लोग, ये बढ़िया हिसाब किताब है तुम, यहाँ पे लोड के आराम सामान रखे जा रहे। जो खाने वाने का ना उसे थोड़ा बहुत निकाल लेना आगे, क्योंकि बार बार कौन खोलेगा है ना, आगे कम ही मिलेगा। चलो भाई जब तक इसे एक बार कोल्ड स्टार्ट कर लेते हैं, रात में कुछ नहीं तो 1 डिग्री तो था ही, तो एक बार स्टार्ट कर लेते हैं 2 मिनट के लिए। वैसे तो इसकी बोनट में धूप आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार में स्टार्ट होगी, नॉर्मल सी बात है। करो स्टार्ट, चलो भाई स्टार्ट। तो भाई अभी फाइनली अभी यहाँ से निकल चुके हैं हम 9 बजे, 8 बजे निकलना था पर कोई नहीं, थोड़ा सा धूप आ गई और अपना पानी वानी पी के अभी यहाँ से नाश्ता वास्ता कुछ किया नहीं है, हल्का सा गर्म पानी पिया है और गर्म पानी ले भी लिया है। और कुफरी में कुछ था नहीं पर कुफरी के थोड़ा सा आ गया कि यहाँ देखो हल्की हल्की ये स्नो है, काफ़ी पुरानी है, गंदी हो रखी है दिख रही है। हाँ तो क्योंकि यहाँ इस साइड में धूप कम आती है, जहाँ धूप कम आएगी वहाँ पर पिघलेगी भी कम, तो वही है थोड़ी बहुत है गंदी पड़ी हुई है काफ़ी। तो आगे देखते हैं नारकंडा में क्या हिसाब किताब है। नारकंडा में मुझे लगता है थोड़ी बहुत मिल सकती है हमको, नारकंडा नहीं मिली ना फिर मिलेगी नाको, और नहीं तो फिर तो स्पीति में एंट्री करने के बाद वहाँ पे उधर मिलेगी, क्या नाम है उसका, ताबू, ताबू के आसपास मिलनी चाहिए हमको, देखते हैं कहाँ मिलेगी इस बार। मैं तो सोच के आया था कुफरी से स्टार्ट हो जाएगी भाई साहब ब्लैक आइस, इसलिए स्नो चेन स्नो चेन सब लेके आए थे हम लोग, पर कोई नहीं चलो। थियोग से आगे थोड़ा सा रुके हैं, गाड़ी खड़ी करी है, यहाँ से कुछ अपना वो ले लेते हैं, फ्रूट्स ले लेते हैं, कुछ सैलड के लिए कुछ सामान ले लेते हैं, क्योंकि बढ़िया है रास्ते में सैलड वगैरह खाते रहना चाहिए, क्योंकि चिप्स और ये खा खा के ना पेट अजीब हो जाता है। चिप्स वगैरह अभी तक हमने खाई नहीं पर फिर भी। तो भाई इसमें ले लिए खीरे, कुछ संतरे और हाँ ये सब धो लेना, और क्या कहते हैं अंगूर ले लिए हैं तो, और थोड़े से अमरूद ले लिए हैं, तो फ्रूट्स बिना छिले वैसे खाने पड़ेंगे। हाँ इन्हें धो लो पर एक बार आगे धो लेना, ये दो भी चलो आगे, तनवीर भाई वगैरह वो आगे निकल गए तो उनको भी सामान शिफ्ट करना है। तो भाई ये आ चुका है नारकंडा और यहाँ हमने अपनी गाड़ी लगा दी है, मैं कुछ खा लेते हैं यहाँ पे हल्का फुल्का, ये मल्टी फूड कॉर्नर को ही मिला है, उनकी गाड़ी शायद पीछे रह गई आने वाली होगी थोड़ी बहुत देर में, तो बस उनको भी एक बार ये रही। चलो भाई वहाँ तो कुछ मिला नहीं था उस वाले पे, ये दूसरे वाले पे आए हैं, यहाँ देखते हैं यहाँ कुछ खाने का सिस्टम मिल रहा है। चल तो रहा इनका किचन, चलो चाय तो मिली जाएगी तुम्हें तो जैसे पीनी है। तो भाई अभी ज़्यादातर सारे पेट्रोल पंप खुले ही मिल रहे हैं, तो ज्योरी में एक ये पेट्रोल पंप मिला था, मैंने कहा चलो डीजल भरवा लेते हैं, तो टैंक अपना हमने दोबारा फुल करवा लिया, मेरे में आया 1700 कुछ रुपए का, उसमें भी लगभग ऐसे कुछ आया। तो अभी यहाँ से चलते हैं और रिकोंगपियो में एक बार और देख लेंगे, वहाँ पे भी टॉपअप करवा लेंगे, उसके बाद तो लगता है ज़रूरत ही नहीं है। वैसे मेरी गाड़ी ऑलरेडी 700 रुपये की बोल रहा हूँ, 700 कुछ किलोमीटर की रेंज दिखा रही है, तो सही है 700 किलोमीटर तो बहुत होता है यार, जाके वापस आ जाऊँगा मैं बड़े आराम से शिमला पहुँच जाऊँगा, पर एक ये थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा होना चाहिए वहाँ घूमने वूमने के लिए। तो ये किन्नौर वैली में आ चुके हैं और यहाँ पे होगी अभी ये चेक पोस्ट है, इस पर अपनी एंट्री करानी होगी,
तो अभी ये लोग अपनी एंट्री कराने गए, हमारी भी यही करा देंगे। गाड़ी का नंबर लिखवाना होता है, कितने लोग हैं, कहाँ जा रहे हैं, बस ये बताना होता है। तो अभी चलते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं। हाँ, किन्नौर के एप्पल्स बहुत फेमस हैं, बहुत सही लगते हैं, पर इस टाइम पे एप्पल का तो मौसम नहीं है, वो तो जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर उसमें निकल जाते हैं लास्ट। लैंडस्लाइड हुए हैं काफ़ी यहाँ पे ना, बहुत बुरा हाल हुआ है यहाँ, ये अभी लास्ट हो गई ना बरसात उसमें। अभी यहाँ पे एक ये ढाबा सा मिला, इसमें देखते हैं कुछ खाने को मिल जाता है। तो ये कहाँ जा रहे हैं? चलो यहाँ पे भैया मिली है हमें मैगी और ऑमलेट। सिमन ने बहुत दिन बाद अंडे दोबारा से खाए, क्योंकि यहाँ पे और कुछ है नहीं खाने को, मजबूरी और अब खाना ही पड़ेगा। चलो भैया खाना खजाना हो गया, अभी यहाँ से निकलते हैं और ताबो ही पहुँचते हैं। लगभग 3 घंटे के करीब और लगेंगे हमें, 3-3.5 घंटे जो भी लगेंगे, तो अपना 8 बजे तक पहुंच जाएंगे, तब वो लास्ट और क्या है। चलो हो यहाँ पे वैसे ठंडा है, पर इतना ठंडा नहीं है, मतलब अभी के वेरेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। कान वान में जैसे देखो मेरे को टोपा कुछ नहीं पहना, पर फिर भी सही लग रहा है। आगे जैसे होगा ना, ये अपना चुपचाप अपनी कैप पहनो, निकाल लो मंगाने सोना पीछे से निकाल लो। भैया अभी खाना खा के आए, कितना खाएगी ये? अरे खाएगी नहीं, रास्ते फिर निकालने पड़ेंगे तो कुछ थोड़ा बहुत हो जाए। चल लीजिए देख ले क्या क्या चाहिए तेरे को। रोएगी क्या होगा इन लोगों का खाने से। चलो भाई आ जाओ भाई, आ जाओ भारा। हाँ भाई कैसे फालतू बोल रहा था तू, कैसे फालतू बोल रहा था, है ये दिख रहा है, ये दिख रहा है तलवार। रात हो चुकी है भाई लगभग, और अभी हमने सोचा है कि देखते हैं ताबो क्यों आगे, अगर वहां तक जा पाए काजा तक, तो फिर काजा ही चलेंगे, बाकी देखते हैं आज क्या हिसाब किताब है। साइड में अभी जो रिवर थी, पहले सतलुज चल रही थी ना, अभी ये स्पीति रिवर चल रही है साइड में। अभी रात में इतना पता नहीं चलेगा, पर एक थोड़ी देर पहले एक वो आया था यहाँ पे, ब्रिज आया था, उस ब्रिज के बाद से अब ये स्पीति रिवर हमारे साथ चलेगी। अभी लगभग गूगल मैप के हिसाब से अगर हम सीधा काजा जाते हैं तो लगभग 3 घंटे 40 मिनट के करीब लगेंगे, और तो देखते हैं हो सकता है कवर कर दें हम, चलते हैं अभी तो पता चलेगा। देखो इसके फॉग लाइट का यूज मैं तुम्हें यहाँ दिखाता हूँ, बेसिकली इसकी अगर मैं इसकी फॉग लाइट बंद कर दूँ तो ये है इसकी मेन लाइट, मतलब ये है लो बीम, ये है हाई बीम, और ये है फॉग लाइट। तो देख रहे हो कितना फर्क डालती है, तो ऐसी जगहों पे फॉग लाइट बहुत यूजफुल है। देखो बंद कर दो ना, देखो कैसा बिल्कुल अंधेरा सा हो जाता है। तो यहाँ पे सुनसान रोड है, बिल्कुल खाली रोड है, तो यहाँ पे थोड़ा ऐसी लाइट्स की जरूरत पड़ती है, इसलिए मैंने कि चलो सही है लगवा लेते हैं। बाकी भाई नाको इधर, नाको से पहले भी रोड टूट गए भाई, इस बार काफी जगह पे जो है इफेक्ट हुआ है इसका, जब आया ना बारिश वारिश आई है, इसने बहुत रोड तोड़े हैं। ये भाई मलिंग नाला पूरा जम रहा है, देखो माता वो पहुंच चुके हैं, और यहाँ पे टेम्परेचर गाड़ी दिखा रही है 1 डिग्री, तो जो गाड़ी दिखाती है तो पता ही 1-2 डिग्री उससे नीचे, मान लो 2-3 डिग्री का तो फर्क रहता ही रहता है। बाकी यहाँ से अभी हम सीधा काजा जा रहे हैं, और हमें 1 घंटा 30 मिनट दिखा रहा है, पर हम 1 घंटे में लगभग पहुंच जाएंगे, वो लगता है 1 घंटे 10 मिनट में लास्ट 9-10 के आसपास तक पहुंच जाएंगे। चलो भाई चलते हैं और पहुंचते हैं काजा, वहीं जाके रुकेंगे, फिर टेंशन फ्री रहेंगे, क्योंकि कल भी वहीं घूमना है, वहीं चलना है। यहाँ हम थोड़ा सा स्ट्रेचिंग के लिए रुके थे, थोड़ा सा स्ट्रेचिंग के लिए। कैसे ठंड लग गई? चलो तो भी गाड़ी दिखा रही है टेम्परेचर -2, अभी -3 भी दिखाया था इसने, तो मैंने कहा भाई इसके अंदर जितना पानी से खाली कर लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर ना मैं घर से ही पानी डाला था, तो उसमें ज़्यादा शैम्पू नहीं था, शैम्पू तो फिर भी थोड़ा लेट जमता है, पानी बहुत जल्दी जमता है। तो मैंने जैसे ही बाहर निकाला तो देखो साइड में जम गया है, अब लाइट में दिखेगा नहीं दिखेगा पता नहीं, ये देखो ये सब बर्फ़ जम गई, अभी मैंने निकाला ये सब
वॉशर का पूरा पानी है, सब जम गया है साइडों में, निकालते ही जम गया। अगर मैं अंदर छोड़ देता ना तो ये पाइप को भी फाट सकता था, तो इसलिए सारा पानी बाहर निकालना ही एक समझदारी थी, क्योंकि अभी माइनस दो है, आगे तो बहुत ही लगता है माइनस पाँच माइनस छः हो जाएगा। जम निकल रही ना, नीचे वो कर दो इसे बस। हाँ तो भैया एंट्री हो चुकी है काजा के अंदर फाइनली। चलो सो हमारा जो पुराना होम स्टे है वो तो इस बार वर्किंग नहीं है, उन्होंने कहा कि भैया हमने इस बार स्टार्ट नहीं किया, तो उन्होंने किसी और का नंबर दिया है, तो वहाँ हम जा रहे हैं। चलो वहाँ देखते हैं क्या रहता है, क्या सीन है। तो वहाँ हमने अपनी गाड़ी खड़ी करी है, और इस बार काजा में भी कोई बर्फ़ का नामो निशान नहीं, जो बर्फ़ पड़ी थी चार पाँच दिन पहले वो सब पिघल गई, इस बार नो बर्फ। मुझे लगा था कि बर्फ नहीं मिलेगी, चलो आइस मिलेगी हर जगह। तो भाई ये है अपना आज का होम स्टे, मजा आ गया ना गरम गरम। अंदर तो मुझे लग रहा कम से इन्होंने 30 डिग्री कर रखा है। 30 डिग्री होगा अंदर तो। तो ये है अपना रूम पूरा, और इसके अंदर अपना यहाँ पे गर्म पानी ठंडा पानी दोनों दे दिया भैया ने। इसके अंदर इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट भी है, तो अपना अंदर से गर्म हो रहा है, टेंशन फ्री। ये तो अंदर हाँ, तो ये बढ़िया ना इलेक्ट्रिक, तो ये बढ़िया है यहाँ पे। बाकी देखो सोने की दो लोगों की और जगह पर जगह, मतलब दो लोग और सो सकते हैं, पर हमारे पास तीन रूम है तो फिर ज़रूरत ही नहीं है। और ये जो है ये नीचे जो चिमनी लगी हुई थी ना, ये उसका है, ये ऊपर तक जाता है धुएं के लिए, तो ये कहीं ना कहीं यहाँ भी हीट छोड़ता है और कमरे को भी गर्म करता है, यही कमरा गर्म रहता है। सही है, तो सबसे गर्म कमरा हमने ले लिया।